रेंज खाद गांव की बिट सुखेड़ी के कक्ष क्रमांक 296 में चौकी के सामने मृत तेंदुआ पाया गया। मामले की सूचना तत्काल बीट गार्ड को दी गई, जिसके बाद परिक्षेत्र अधिकारी व सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं डॉक्टर के परीक्षण एवं विच्छेदन के बाद ये बताया गया कि टेरिटोरियल फाइट के चलते तेंदुए की मौत हुई है। डीएफओ के सामने शव को जलाया गया। रेंज खतगांव की बिट सुखेड़ी के कक्ष क्रमांक 296 में चौकी के सामने मृत तेंदुआ पड़ा हुआ पाया गया, जिसकी आज सुबह 7 बजे के करीब रामदीन चौकीदार ने बिटगार्ड सुखेड़ी को सूचना दी। सूचना मिलने पर तत्काल परिक्षेत्र अधिकारी वंदना ठाकुर एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मान सिंह गोण एवं बीट गार्ड मौके पर पहुंचे। इसके बाद घटना की सूचना तुरंत डीएफओ एवं पशु चिकित्सा अधिकारी खतगांव को दी गई। पशु चिकित्सा डॉक्टर ऋतु कोठे एवं डॉक्टर लोकेश लोवंशी ने मौके पर आकर शव का परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि टेरिटोरियल फाइट के चलते तेंदुए के सिर पर और दाहिने कान के नीचे, गर्दन व बाएं कंधे पर घाव आए, साथ ही फेफड़े में भी संक्रमण पाया गया। परीक्षण एवं शव विच्छेदन के बाद डीएफओ की उपस्थिति में शव को जलाया गया। वहीं स्थानीय निवासी सुनील जाट ने बताया कि वो रात्रि 8-9 बजे के लगभग खातेगांव से दूध देकर लौट रहा था, तब उसने तेंदुए को सड़क के दाईं ओर खड़ा देखा था। वो घबरा कर चिल्लाया तो तेंदुआ धीरे धीरे जंगल की ओर चला गया। लगभग 8 बजे के आसपास हम खातेगांव से आ रहे थे, मैं और मेरा बड़ा भाई गाड़ी से आ रहे थे, तो उस समय वो रास्ते में बैठा हुआ था, फिर हमने जोर से चिल्लाया तो वो इधर अंदर जंगल में चला गया। प्रारंभिक रूप से जब देखा तो उसके सिर पे घाव पाए गए और घाव को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर के दांतों के निशान। तत्काल डीएफओ साहब को एवं पशु चिकित्सा अधिकारी खातेगांव को सूचना दी, उन्होंने तत्काल आकर उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम करने के बाद शव को डीएफओ साहब की उपस्थिति में जलाया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।